गुरुवर प्रणाम, एक बहुत बड़ी खबर लेके आया हूँ कि एकलव्या स्कूल में जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक सोसाइटी के तहत संचालित होती है, बिल्कुल ये नवोदय विद्यालय है, यानी अनुसूचित जनजाति के बच्चे इसमें फ्री पढ़ते हैं, कोई पैसा एक रुपया नहीं लगता है और 12वीं तक की पढ़ाई होती है। और इसको बहुत तेजी से देश में नई शिक्षा नीति आने के बाद ये मोदी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इस स्कूल पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है, तो इसमें बम्पर वैकेंसी आना अद्भुत बात है। और सबसे मजेदार बात बता दूं, ये वैकेंसी वही है जिस पे हम लोग 2 साल से काम कर रहे हैं। अभी अभी यूपीएससी प्रिंसिपल का रिटर्न पढ़ाया, फिर इंटरव्यू पढ़ाया, जो सिलेबस यूपीएससी का है एज इट इज उठा के उसको डाला है, आप खुद जाकर यूपीएससी के साइट पे चेक कर सकते हैं। अभी हम वाइस प्रिंसिपल पे इंटरव्यू चल रहा है, रिटेन हो गया, तो जो एक्सपर्टाइज स्ट्रेट फॉरवर्ड के पास है, आप यूट्यूब पे चेक करें, हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं, तो क्या आप शानदार मौका अपने हाथ से निकाल देंगे? है इतनी हिम्मत तो आ जाइए, बहुत कम में हम लोग बहुत कुछ आपके लिए लेके आए। तो पहले समझते हैं, इस सोसाइटी को नेस्ट कहा जाता है, बड़ा बहुत लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, एक शानदार सिस्टम है, ये एक सोसाइटी है, जैसे केंद्रीय विद्यालय संगठन एक सोसाइटी के तहत काम करता है उसी तरह से नेस्ट भी एक सोसाइटी है। ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है और इसको एस्टैब्लिश करती है जनजातीय अफेयर्स यानी जनजातीय मामले के मंत्रालय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे टीचर की भयंकर वैकेंसी है, खुद देखिए 303 प्रिंसिपल की वैकेंसी है, शानदार क्लास 1 गस्टेड बनने का मौका मिलेगा। उसके बाद पीजीटी का 2266, क्या कमाल की वैकेंसी है। अकाउंटेंट की 361, जूनियर सेक्रेटरियट असिस्टेंट 700 759 एंड लैब अटेंडेंट 373, टोटल वैकेंसी 4062 है। वंडरफुल, मतलब टीचरों में वैकेंसी की कोई कमी नहीं आ रही है, इसलिए जगिए और आगे बढ़िए। अब प्रिंसिपल का पे लेवल देखिए क्या शानदार है, 78,000 से लेके 2,900,200, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल 2 और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 8, अकाउंटेंट साहब के लिए 6 और जेएसए के लिए जूनियर असिस्टेंट 2, लैब असिस्टेंट का लेवल 1। चलिए अब इसके एग्जाम कुल 150 नंबर के होंगे, 150 मार्क्स के, 130 मार्क्स के लैंग का जनरल चीज़ें होंगी और 20 मार्क्स के लैंग्वेज होंगे। क्या है तो पार्ट 1 न्यूमेरिकल रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, 10 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के। जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी 10-10 नंबर के, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट डिटेल सिलेबस और नेट्स वेबसाइट पे है, जो हम लोग भी दे देंगे, आप हमसे मंगा सकते हैं, हाई लिख दीजिए व्हाट्सएप पे, हम आपसे बात कर लेंगे 50-50। और एडमिनिस्ट्रेटिव फिनांस यानी पूरा, चूंकि आप प्रिंसिपल बन रहे हैं तो पूरा फाइनेंस रूल आपको पता होना चाहिए, जिस पे स्ट्रेट फॉरवर्ड का महारत हासिल है, जाके देखिए कहीं नहीं मिलेगा, एज इट इज उसी को उठा के रखा है। और एग्जाम 3 घंटे का है, ये बड़ी खासियत है। उसके बाद पीजीटी जनरल अवेयरनेस 10, रीजनिंग 20, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर 10 नंबर, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 और सब्जेक्ट स्पेसिफिक 80 नंबर के हैं, 130 और 20 के फिर लैंग्वेज प्रोफेंसी है। तो शानदार, इस पे हम लोगों के पास सब कुछ रेडी है, बस इंतजार इस वैकेंसी की थी, ये भी 3 घंटे का है। उसके बाद जूनियर सेक्रेटरियट असिस्टेंट, अभी फाइनेंस ऑफिसर का डिटेल नहीं दिखाया गया, बाद में आएगा, फॉलो करते रहिए। इसमें भी 20 नंबर के रीजनिंग क्वांटिटी में यानी मैथ 20 नंबर, जनरल अवेयरनेस 30 मार्क्स, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी 30 मार्क्स और कंप्यूटर का बेसिक 30। इसमें टाइप जानना जरूरी है, टाइप की टेस्टिंग होगी। और
सब में इंटरव्यू भी है, ये भी याद रखिए, 40 नंबर का साक्षात्कार भी है। लाइव असिस्टेंट, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज, इसके 120 नंबर के हैं, इसके थोड़े कम हैं। और निगेटिव मार्किंग है, जो जनरल रूल है कि शैल बी अवार्डेड एवरी करेक्ट आंसर एंड 0.25 शैल बी एवरी इनकरेक्ट, यानी 25% कट जाएगा गलत होने पे, तो ये भी लगा हुआ है। तो इस वैकेंसी से जिन लोगों को लेना है एडमिशन, जल्दी शुरू कीजिए। बहुत अच्छा क्रैश कोर्स लेके आया हूँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, फिर आप देखिए कि क्या क्या आपके लिए लेके आया हूँ। जय हिंद।